शराबबंदी की बात करने वाली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार की आबकारी नीति से अब जगह जगह शराब की दुकानें खुल जाएंगी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने कड़ा एतराज जाहिर किया है और कहा कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश को शराब के नशे में डुबोकर तबाही के रास्ते पर ले जाना चाहती है। शिवराज सिंह ने कहा ऐसा करके कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में अपराधों को भी बढ़ाएगी। थोड़ा सा राजस्व प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार शराब सिंडिकेट के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। कमलनाथ सरकार बात गांधी जी की करती है और उसने पूरे प्रदेश में जगह जगह शराब की उप दुकानें खोलने को मंजूरी दे दी है। कमलनाथ के इस फैसले का समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसके खतरनाक नतीजे धीरे धीरे सबके सामने आएंगे। कमलनाथ सरकार के नए फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह ने कड़ा विरोध किया है। शिवराज सिंह ने कहा हमारी सरकार ने शराब दुकानें कम की थी, अब उप दुकानें खुलने से शराब की दुकानें तिगनी और पांच गुनी हो जाएंगी। यह सरकार प्रदेश की जनता को शराब के नशे में डुबाना चाहती है। नशे के कारण अपराध बढ़ते हैं, अपराध रेप की घटनाएं नशे में धुत होकर अंजाम देते हैं। जब हमारी सरकार थी तब हमने तय किया था मध्य प्रदेश में कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी और जो वर्तमान शराब की दुकानें हैं उस समय की मैं बात कर रहा हूँ उनमें हम धीरे धीरे कमी करेंगे, कम करेंगे उनको, और हमने दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये फैसला एक या एक से अधिक उप दुकानें खोली जा सकेंगी, अब एक से अधिक का मतलब केवल एक नहीं, अगर एक खुलती है तो आज जितनी शराब की दुकानें हैं मध्य प्रदेश में वो दुगनी हो जाएंगी, और एक से अधिक अगर खोलते हैं तो वो तिगनी होगी कि चौगनी होगी कि पांच गुना होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मध्य प्रदेश को शराब के नशे में डुबा के तबाह करने की तैयारी है इस सरकार की। शिवराज सिंह ने सवाल किया कि सरकार प्रदेश को कहां ले जाना चाहती है। ये लोग एक तरफ माफियाओं पर दंभ भरते हैं, दूसरी तरफ शराब माफियाओं के हवाले प्रदेश को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कमलनाथ सरकार का ये काम मध्य प्रदेश को तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। शराब की उप दुकानें खोलने के फैसले को सरकार वापस ले, यह राजनीतिक नहीं जनता और महिलाओं की भलाई के लिए है। ये शराब की उप दुकानें खोलने का विषय ये बहुत गंभीर विषय है और तबाही लाने वाला विषय है, और मैं किसी राजनीतिक कारण से इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश का जिम्मेदार नागरिक हूं, मुझे चिंता है प्रदेश के भविष्य की, माताओं बेटी और बहनों की इज्जत की, और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से सवाल को उठा रहा हूं, और मैं मीडिया के मित्रों से भी ये आग्रह करता हूं कि इस विषय पर बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के मैं कह रहा हूं सबको एकजुट होकर इसका विरोध करना चाहिए, और ये मैं केवल उठाने के लिए नहीं उठा रहा हूं, अंतरात्मा से उठा रहा हूं, और हम इस फैसले का पुरजोर विरोध करेंगे। मुझे आज इसी विषय को फोकस करना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।